सीधे बैठ जाइए। शरीर में यदि एक तरफ भार हो तो पैरों की मुद्रा बदल कर शरीर को संतुलित कर लीजिए। अब आंखें बंद करके देखिए, दाहिनी ओर अधिक ऊर्जा है या बाईं ओर? लेफ्ट साइड में ज्यादा एनर्जी है राइट में? जिस तरफ ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ऊर्जा है, उसमें से उस ऊर्जा को आप सिर्फ इंटेंशन करिए, एक विचार कीजिए कि वो ऊर्जा जहां कम है वहां जा रही है, और तब तक जा रही है जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। उसको जाते हुए महसूस कीजिए। जब दोनों तरफ ऊर्जा बराबर हो जाएगी तो आपको एक हल्कापन महसूस होगा, एक संतुलन का अनुभव होगा। आंखों को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, थोड़ा भी खिंचाव या दबाव न रह जाए पलकों में। अंदर की जो आंखों के गोले हैं उनको भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब अपनी जिह्वा को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी जीभ, कहीं दांतों से मत लगाइए, बिल्कुल बीच में रहने दीजिए, ढीला छोड़ के। अब नाभि के भीतर वाला जो भाग है उसको ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर मूर्ति के समान स्थिर है, मन शांत है, रीढ़ सीधी है, सांस आ रही है जा रही है। अपने ललाट में भीतर की तरफ नमो अरिहंताण अपने अक्षरों में लिख लीजिए। मन में 3 बार नमो अरिहंताण बोलिए। अब उन अक्षरों में से सफेद प्रकाश निकलने लगा है, वो प्रकाश सिर के भीतर वाले भाग में सब तरफ फैल गया है। ललाट के ऊपर वाला जो मस्तक का भाग है उसमें भी सफेद प्रकाश भर गया है। अरहंत परमेष्ठी के नमस्कार पद की आभा है, बिल्कुल सफेद रंग की रोशनी। वो अक्षर तो बिल्कुल ट्यूबलाइट जैसे चमक रहे हैं। नमो अरिहंताणम। अब वो प्रकाश नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला तो पूरा भाग सफेद हो गया प्रकाश से भरकर, पूरे चेहरे में, आंखों के अंदर वाले भागों में, नासिका, कंठ, जिह्वा, होंठ, कान, गाल, ठोड़ी, गला, गर्दन, सब जगह सफेद प्रकाश भर गया। और नीचे की तरफ आ रहा है, कंधों में चला गया, भुजाओं में, हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में सफेद प्रकाश भर गया। छाती में, पीठ में, पेट में, कमर में, कटी भाग में, दोनों जांघों में, घुटनों में, घुटने से नीचे पिंडलियों में, एंकल्स, टखनों में, एड़ियों में, पंजों में, पैरों में, पैरों के अंगूठों में और उंगलियों में
सफेद प्रकाश हो गया। इस प्रथम पद के ध्यान से और इस आभा से जिनकी याददाश्त कमजोर है उनकी याददाश्त सुधरती है। जिनको नींद ठीक से नहीं आती वो अगर यह ध्यान प्रतिदिन करते रहे तो अनिद्रा का दोष शांत होता है। और इस ध्यान को करते समय यदि वो ज्ञान मुद्रा रख ले तो और अधिक लाभ होता है। हाथों में ज्ञान मुद्रा बनानी पड़ेगी तो और अधिक लाभ होगा। और जिनको बेचैनी रहती है उनको भी इससे राहत मिलेगी। जिनको अधिक क्रोध आता है उनका क्रोध भी इस प्रथम पद के ध्यान से शांत होगा, मन प्रसन्न रहेगा। अब तीन ओंकार नाद करेंगे। पहले ओंकार में होठों को तत्काल मिला लेना, ओम। रीढ़ सीधी कर लीजिए, बिल्कुल सीधी। दूसरे ओंकार में आधे समय तक होठों को खुला रखना, फिर मिला लेना। तीसरे ओंकार नाद में अंत में होठ मिलाएंगे। इस महान प्रणव बीजाक्षर ओंकार की तरंगों का एहसास कीजिए। ऐसा लगता है जैसे शरीर के रोम रोम खुल गए हों, चारों ओर ऊर्जा बिखर रही हो, अपने अंदर से कई बीमारियां अपने शरीर को छोड़कर चली गई, शरीर बिल्कुल हल्का है, मन प्रसन्न है। अब धीरे से अपनी दोनों हथेलियों द्वारा आंखों को ढक लीजिए। थोड़ी देर तक आंखों के अंदर जो रंग दिख रहे हैं उनको देखिए। हाथों का स्पर्श आंखों से न होने दीजिए। अब आंखों को बिल्कुल धीरे से खोलिएगा, हाथ हटा लीजिए, आसन खोल लीजिए।